Hi guys, I hope you all are doing good today. I'm Dipanshi Sethi and in this video we are going to discuss about the preamble of the Constitution of India. So guys, before going ahead, I'll suggest you all कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रियम्बल अच्छे से याद कर लो, बिकॉज देयर आर टाइम्स जब एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं प्रियम्बल पर. तो इन दैट केस अगर आप पूरा प्रियम्बल लिख कर आओगे तो इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर. और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ट्रांसलेशन आ जाती है प्रियम्बल की. तो देयर आर फ्यू वर्ड्स जो कि बहुत डिफिकल्ट हैं, जिसका मे बी आप ट्रांसलेशन ना कर पाएँ. तो आई सजेस्ट कि आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लें, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो लेट स्टार्ट विद इट. इसके अंदर मैं हिंदी का, इंग्लिश का तो एक दो बारी रिपीट हो ही जाएगा, तो आप इस वीडियो को ही पढ़ेंगे दो तीन बारी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. सो लेट स्टार्ट विद इट. इट सेज, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द पर्सन एंड द इंटीग्रिटी एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली This 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So guys, it's not that difficult. These are just 85 words and you should have this on your tips. क्योंकि आपका ये याद होना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट वर्ड टू वर्ड याद होना, एक वर्ड आगे नहीं एक वर्ड पीछे नहीं, बिकॉज प्रियम्बल जिस तरह से बनाया गया है उसके अंदर हर एक वर्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ उस वर्ड की इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि जिस प्लेस पे उसको रखा गया है उसकी भी इम्पोर्टेंस है. सो इसलिए आप उसको वर्ड टू वर्ड याद करो, राइट. सो गाइज, अब बेसिकली प्रियम्बल जो है, दिस इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन. एंड हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद में प्रियम्बल बना. एंड इट गिव आफ्टर थ्री रीडिंग्स प्रियम्बल रेडी हुआ. तो इट गिव्स अस एन आइडिया कि प्रियम्बल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको कितना प्रिसाइज्ड और कंसाइज्ड बनाया गया. क्योंकि एज वी नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और उसका प्रियम्बल जस्ट 81 वर्ड्स. ओरिजिनली देवर 81 वर्ड्स, बाद में एक 42nd अमेंडमेंट के अंदर 4 वर्ड्स वर एडिड. सो नाउ प्रेजेंटली इट्स 85 वर्ड्स. सो गाइज, प्रियम्बल के अंदर आज तक सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुई है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट, और उसके अंदर 4 वर्ड्स ऐड किए गए थे, दैट इज सोशलिस्ट सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी. ये 4 वर्ड ऐड किए गए थे. तो गाइज, अब बेसिकली इट गिव्स अस एन आइडिया कि ये कितना प्रिसाइज और कंसाइज है, क्योंकि दिस इज द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको प्रियम्बल के अंदर समराइज ना किया गया हो. तो गाइज, अब हमारे जो प्रिंसिपल्स प्रियम्बल के अंदर डिस्कस्ड हैं, दे आर सो इंटरट्वाइंड एंड इंटरमिंगल दैट यू कैन नॉट आइसोलेट देम. आपको उन्हें साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जो अल्टीमेट गोल है सारे प्रिंसिपल्स का वो है फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना. और ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, दे टेक देयर फ्लेवर फ्रॉम अनदर प्रिंसिपल. अब लाइक जस्टिस है, इक्वालिटी है और लिबर्टी है, तो इन चीज़ों को आप अलग करके नहीं पढ़ सकते हो. ये सारे साथ में पढ़ोगे तभी दे विल प्रमोट फ्रेटर्निटी, राइट. अब उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जो 4 वर्ड्स जो ऐड किए गए थे वो कौन सी अमेंडमेंट में किए गए थे. दैट वाज एडेड इन 42nd अमेंडमेंट इन द ईयर 1979. सो गाइज, अब एक एक वर्ड करके इसको समझते हैं. इट स्टार्ट विद वी द पीपल ऑफ इंडिया, विच क्लियरली गिव्स एन आइडिया कि यहाँ पर यूनिटी की बात हो रही है, यहाँ पे सब लोगों की बात हो रही है, कि हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दिया है. सॉल्वली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि अपनी इच्छा से ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दिया है कि हमारा जो इंडिया है दैट विल बी सॉवरेन. सॉवरेन मतलब सुप्रीम होगा, वो
अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल अफेयर्स जो है खुद हैंडल करेगा, कोई और उसके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को हैंडल नहीं करेगा। उसके बाद आता है वर्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि देयर विल बी एन इक्वालिटी इन द सोसाइटी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन रिच है या उसके पास पावर है तो उसको सोसाइटी के अंदर एक अलग दर्जा दिया जाएगा। एवरी वन विल बी गिवन एन इक्वल पोजिशन इन द सोसाइटी। उसके बाद वर्ड यूज़ हुआ सेकुलरिज्म। एज वी नो इंडिया के अंदर बहुत ही सारे धर्म को माना जाता है और हर कोई अपने धर्म की पूजा कर सकता है। तो यहाँ पर सेकुलर से मतलब है कि हर किसी को ये लिबर्टी है, ये फ्रीडम है कि वो अपना धर्म खुद चूज कर सकते हैं। ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है या फिर एक हिंदू कंट्री नहीं है। यहाँ पे जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपना सकता है। उसके बाद आता है वर्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से मतलब होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो विल दैट विल बी बाय द गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब गाइस जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जो थी वो दैट वॉज नॉट फॉर द पीपल बिकॉज दे वर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द मनी फ्रॉम इंडिया एंड दे वर जस्ट द ओनली पर्पज ऑफ दैट गवर्नमेंट वॉज टू गेट द मनी फ्रॉम इंडिया। और इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट है तो हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है उनका बेसिकली ये ड्यूटी है कि वो लोगों के लिए काम करे बिकॉज दे वर चूज बाय पीपल ऑफ इंडिया सो दे हैव टू वर्क फॉर पीपल ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा दैट विल बी इलेक्टेड। तो अब हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टेड डायरेक्टली नहीं होते हैं बट इनडायरेक्टली होता है। जिन लोगों को हम चूज करते हैं, जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं। सो दैट्स हाउ प्रेसिडेंट गॉट इलेक्टेड। डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वो इलेक्टेड ही होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक किंग है, किंग का बेटा ही आगे प्रेसिडेंट बनेगा, वो चीज़ नहीं चलती है। सो दैट्स वाई इंडिया इज रिपब्लिक कंट्री। उसके बाद वर्ड आता है जस्टिस। जस्टिस यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया सोशल इकोनॉमिक एंड देन पॉलिटिकल। तो गाइज एक एक वर्ड को यहाँ पर ऐसी पोजीशन दी गई है कि जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको पहले डिस्कस किया गया और जो चीज़ थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है उसको बाद में डिस्कस किया गया। अब सपोज अगर आप एक पर्सन को पॉलिटिकल राइट दे रहे हो कि वो एक कंट्री के लिए वोट कर सकता है बट उसको एक इक्वालिटी नहीं मिल रही है सोसाइटी के अंदर, उसको एक पोजिशन नहीं मिल रही है, उसको एक रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो इन दैट केस दैट पॉलिटिकल राइट विल बी ऑफ नो यूज़ फॉर हिम। तो इसलिए यहाँ पर पहले सबसे पहले डिस्कस किया गया सोशल जस्टिस, देन इकोनॉमिक जस्टिस एंड देन पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद यहाँ पे बात हुई लिबर्टी ऑफ थॉट्स की। अब इंडिया के अंदर हर पर्सन को ये राइट है कि वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकता है, अपने एक्सप्रेशन शो कर सकता है, बट दैट शुड बी नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सपोज एक पर्सन कह रहा है कि उसको आज़ादी चाहिए पॉवर्टी से, तो इन दैट केस ही इज़ डूइंग अ राइट थिंग। बट इफ़ ही इज सेइंग कि उस पर्सन को आज़ादी चाहिए इंडिया से, तो इन दैट केस ही इज़ गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही इज़ ब्रेकिंग द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज़ रॉन्ग, राइट। अब उसके बाद ये बोलता है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ। तो गाइस जब बिलीफ वर्ड यूज होता है तो बिलीफ वर्ड यूज होता है इन जनरल। आपको किसी चीज़ पे विश्वास है, किसी पर्सन पे विश्वास है, किसी धर्म पे विश्वास है, किसी भी चीज़ पे विश्वास है तो वो आपका होगा बिलीफ। बट जब आप वर्ड यूज करते हो फेथ, तो फेथ वर्ड सिर्फ यूज होता है रिलीजियस के प्रस्पेक्ट में, ठीक है। अब उसके बाद वर्ड आता है वर्शिप। तो यहाँ पर हर एक पर्सन को वर्शिप करने का राइट है। एक हिंदू को हाथ जोड़ के पूजा करने का राइट है, एक मुस्लिम को नमाज पढ़ने का राइट है। तो यहाँ पर हर एक पर्सन को वर्शिप करने का राइट है। अब ये जो तीन प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए, इन तीनों प्रिंसिपल्स का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है इनका फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना। गाइस हम एक रहते हैं, हम एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के अंदर रहते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर देयर आर सो मेनी डाइवर्सिटीज। स्टेट को यहाँ पे अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग स्टेटस के लोग रहते हैं,
तो यहाँ पर बहुत ही सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, और ये जितनी भी डाइवर्सिटीज़ होती हैं ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करती हैं, सेंट्रीफ्यूगल एज इन आउटवर्ड फोर्स क्रिएट करती हैं। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फोकस है वो है फ्रेटर्निटी क्रिएट करना, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना, और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट जनरेट होता है। तो इससे सेंट्रीपिटल मतलब इनवर्ड फोर्स जो जो कि सोसाइटी को जोड़ के रखता है। तो अगर हमें एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के अंदर रहना है तो यहाँ पर फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लिव इन सच अ डाइवर्सिफाइड सोसाइटी जहाँ पर इतने स्टेटस के लोग रहते हैं, इतने रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग कलर के लोग रहते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट है ऐसी सोसाइटी में रहना अगर आप फ्रेटर्निटी को प्रमोट नहीं करते हो, और अगर आप फ्रेटर्निटी को प्रमोट करते हो तभी आप एक पर्सन की डिग्निटी को मेंटेन कर पाओगे, कंट्री के अंदर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को प्रमोट कर पाओगे, उसको मेंटेन कर पाओगे, उसको एश्योर कर पाओगे, राइट। अब उसके बाद ये बोलता है कि इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 डे, दिस 26 डे ऑफ नवम्बर 1949 वी डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ। तो गाइज अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ जब ये वर्ड्स हमने बोले तो इसका मतलब है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद को दिया है उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड गिव टू आर सेल्फ मतलब कि आज के बाद से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें रूल करेगा, दैट विल बी सुप्रीम, वी विल नॉट बी सुप्रीम। आज से कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सुप्रीम होगा, हम सुप्रीम नहीं होंगे, एंड उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो जो वर्ड्स हमने इसके अंदर डिस्कस करे हैं, सोवरेनिटी, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एक एक वर्ड को हम अलग से डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये सबके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स हैं बिकॉज प्रियम्बल इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू माइट हैव गॉट एन आइडिया कि अब आगे हमने क्या क्या डिस्कस करना है क्योंकि प्रियम्बल इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज, कीप व्यूइंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।